हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हो, और आपको कुछ बातचीत करनी हो तो वो भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई आपको सभी का जरूर दूंगा। तो गाइस चलो अपन बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। गाइस अपनी पहली न्यूज़ है क्रॉन्टन को लेकर। तो गाइस क्रॉन्टन ने बताया अभी रिसेंटली उनकी नोवा स्पोर्ट्स के साथ मीटिंग हुई थी, और आप सभी को पता ही है पबजी बैन हो चुका है, तो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा इस बारे में उनकी मीटिंग हुई। तो क्रॉन्टन ने बताया कि नोवा स्पोर्ट्स ने जितना भी अब इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया के अंदर पबजी के कारण, अब वो सब वापस चले जाएंगे अपने उधर ही। तो क्रॉन्टन ने ये भी बोला कि ये सिर्फ नोवा स्पोर्ट्स के साथ ही नहीं, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ओआर, फनेटिक, टीएसएम, सभी के साथ होगा। यानी कि कुछ समय वो वेट करेगी ऑर्गेनाइजेशन, अगर बैन होता है तो अनबैन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता वो वापस चले जाएंगे और इंडिया के अंदर ई स्पोर्ट्स का सीन थोड़ा पीछे चला जाएगा। गाइस अपनी अगली न्यूज़ है मॉर्टल को लेकर। तो गाइस मॉर्टल ने अपडेट दिया उनके सेटअप के बारे में। तो मॉर्टल ने बोला उनका 50% सेटअप कंप्लीट हो चुका है, जैसे उनका पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा एक प्रॉपर वो सेटअप टूर वीडियो लेके आएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस अपनी अगली न्यूज है वाइपर को लेके। तो वाइपर से किसी ने पूछा कि अब पबजी तो बैन हो चुका है, तो आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव का सीन में कौन से मोबाइल में आप जाने वाले हो। तो वाइपर ने इसका क्लियर आंसर ये बोला कि वो अभी तक तो उन्होंने कोई भी सीन सोचा नहीं है कॉम्पिटिटिव का, और अभी तो वो सिर्फ पीसी गेम्स को खेल रहे हैं, चिल मार रहे हैं और ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ होगा आगे का वो अपडेट कर देंगे। अगली न्यूज है रेगल्टॉस को लेके। तो गाइस रेगल्टॉस ने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया कि वो फ्री फायर खेलने वाले हैं, बहुत ही जल्द उन्होंने इंस्टॉल कर लिया और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो लाइव स्ट्रीम भी बहुत ही जल्द करेंगे उस गेम की। तो अपनी अगली न्यूज है वैक्सी को लेके। तो गाइस पबजी बैन होने के कारण बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को इफेक्ट किया, ये आप सभी को पता ही है। तो गाइस वैक्सी ने इंस्टाग्राम पे बताया कि वो स्टार्स का वो पार्ट नहीं है, और उन्होंने बोला कि अब वो कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा फोकस करेंगे, लाइक पीसी गेम्स वगैरह वो स्ट्रीम करेंगे, और क्या कुछ बोला वो आप खुद ही देख लीजिए। गाइस आई वांटेड टू लेट यू नो दैट आई एम नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ मेगास्टार्स, दे हैव डिसाइडेड टू शट डाउन देयर पबजी एम डिवीजन। So I'll be focusing on streaming and start to grind on other games, mobile and PC as well. So I would like to thank everyone who has supported me from the beginning, and I look forward to achieve greater heights in the future. I'm not going to give up that easily. Thank you for supporting me, and thank you Mega Chandni and Mega NNK for having me in Megastars. It was great while it lasted. अपनी अगली न्यूज है फौजी गेम के अपडेट के बारे में। तो गाइस जैसे ही फौजी गेम लॉन्च हुआ था सबको ऐसा लगने लगा था कि फौजी एक रिप्लेसमेंट होगा पबजी का, यानी कि फौजी भी एक बैटल रॉयल गेम होगा। तो गाइस एनकोर गेम ने कंफर्म किया कि कोई एक बैटल रॉयल गेम होने नहीं वाला, यानी कि गाइस ये हो सकता है एक स्टोरी मोड गेम हो या 4v4 5v5 गेम हो, तो टीडीएम लाइक। तो गाइस देखते हैं वो तो कैसा गेम होता है, एनकोर गेम्स ने कंफर्म तो कर दिया कि वो बैटल रॉयल गेम नहीं है। गाइस अपनी अगली न्यूज है वो एक बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज है। कल 21 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया वेस्ट बंगाल में, क्योंकि उसको पबजी खेलने को नहीं मिला। क्या ही बोलूं अब इस बारे में, अपनी लाइफ से ज्यादा एक किसी गेम को इंपॉर्टेंस कौन ऐसे दे सकता है। गाइस मुझे तो पता नहीं गाइस ये कैसे इस गेम को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, अपनी लाइफ को इतना स्पॉइल कर सकते हैं। गाइस आपका क्या कहना है इस बारे में, गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली न्यूज है सिड को लेके। तो गाइस सिड से किसने बोला अगर आप नेपाल आते हो और आप नेपाल से खेलते हो अपनी टीम के साथ पबजी मोबाइल, तो क्या आप नेपाल को रिप्रेजेंट करोगे या इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिड ने इसका क्लेरिफिकेशन करते हुए ये बोला, If you switched your bootcamp to Nepal, you will be representing Nepal or India in World League. First of all, there is no World League, there is a global championship now. And since India as a region is banned, even if we move to Nepal, I think we will represent Nepal and we will not represent India. Because it is obvious ki there are already tensions between the governments, right? So Tencent wouldn't want ki jab government ne bol diya hai ki PUBG India mein banned hai, तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उनके इवेंट में जाए, एंड मेरे को ऐसा लगता है। तो आई डोंट थिंक अगर हम लोग नेपाल में भी जाके खेले तो देर विल बी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन एट द मेन इवेंट, देर विल मोस्ट लाइकली बी नेपाल का रिप्रेजेंट। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।